सो हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मेरा नाम है कुणाल और आज मैं आप लोगों के लिए अवध यूनिवर्सिटी से एक अपडेट लेकर आया हूँ। बहुत सारे छात्र परेशान हो चुके हैं, हमें व्हाट्सएप पे कमेंट कर रहे हैं कि क्या हमारा एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन्ड होने वाला है। हम बात करें यहाँ पर बीएड एग्ज़ाम की, तो बीएड के फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर दोनों स्टूडेंट जो है हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हैं। तो चलिए आपके इस कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं कि आपका एग्ज़ाम क्या कैंसिल होने वाला है या नहीं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि यहाँ पर बीएड और टीचिंग फील्ड से जुड़ी हर छोटी से बड़ी तमाम खबर की अपडेट दी जाती है। साथ ही साथ आपको बीएड के नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर कल से हमें व्हाट्सएप पर काफ़ी सारे मैसेज आ रहे हैं कि क्या हमारा बीएड एग्ज़ाम कैंसिल होने वाला है। बहुत सारे छात्र परेशान हो चुके हैं, 2 दिन बचे एग्ज़ाम में, लेकिन इस कन्फ्यूज़न ने उन्हें एग्ज़ाम की तैयारी करने में बाधा डाल रही है। ताकि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम जो है 8 अगस्त से शुरू होने वाला है, तो पता नहीं स्टूडेंट्स में कहां से ऐसा रूमर्स फैला हुआ है कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल होने वाला है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए अब हम आ चुके हैं अपने अवध यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल साइट पर। जैसा कि आपको पता है कि अवध यूनिवर्सिटी ने कल बीएड एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जब एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं तो एग्ज़ाम क्यों कैंसिल होगा, ये इसके बारे में आपको थोड़ा सोचना चाहिए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करना है। स्टूडेंट के ये भी कमेंट आ रहे थे कि एडमिट कार्ड आ चुका है लेकिन वो डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो चलिए वो देख लेते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको जो ऑफिशियल साइट है अवध यूनिवर्सिटी के, उसके नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन फॉर्म है, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आपको उस पर क्लिक करोगे तो ये पेज खुल कर आ जाएगा। यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना, आप यहाँ को थोड़ा सा वेट करना। यहाँ पे आप देख सकते हो कि डाउनलोड एडमिट कार्ड बीएड करके यहाँ पे पॉपअप मैसेज आ रहा है, तो इसको आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे आपको ये पेज खुलकर आ जाएगा, जहाँ पे आपको कैंडिडेट फॉर्म नंबर डालना है। आपको आपने जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किया था उसमें आपको कैंडिडेट फॉर्म नंबर मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो डालना है। उसके बाद आपको डाउनलोड एडमिट कार्ड पर क्लिक कर देना है। इसके साथ ही आप जो अपना एग्ज़ाम होने वाला है उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको ये अपडेट दे दिया कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होने वाला। अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए, 2 दिनों में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। ये भी हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आपको नोट्स परचेज करने हैं या फिर गेस्ट क्वेश्चन परचेज करने हैं तो वो आप कैसे करोगे। नोट्स के लिए आपको जो हमारा ऑफिशियल ऐप है कैटलिस्ट सोनी, वो प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर पर जाकर आपको कैटलिस्ट सोनी लिखना है, उसके बाद आपको हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप ऐप डाउनलोड कर लोगे, स्टोर वाले सेक्शन में आपको जाना है। वहाँ पे आपको ढेर सारे कोर्सेज मिलेंगे, लेकिन आपको चाहिए अवध यूनिवर्सिटी का, तो यहाँ ऊपर में एक सर्च बार होगा जहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। अगर अवध का चाहिए तो अवध ऐसे सर्च करोगे तो अवध के जितने भी कोर्सेज अपलोडेड होंगे वो यहाँ पर खुल कर आ जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर अवध यूनिवर्सिटी गेस्ट क्वेश्चन है, जो कि इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में अवेलेबल है। और साथ ही यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव नोट्स भी अवध सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर दोनों हैं, दोनों अवेलेबल हैं। और अगर आप बात करोगे कि आपको मेथड पेपर का कहाँ से मिलेगा, तो आपको मेथड पेपर का सेपरेटली बाय करना होगा। मेथड पेपर आपका जो भी है, यहाँ पे आपको मेथड पेपर लिखना है। जैसे कि मैं आप मान लेता हूँ कि आपका मेथड पेपर मैथ्स है, तो यहाँ पर मैथ्स लिखना है और देख सकते हैं मैथ्स का यहाँ पर खुल के आ जाएगा। ये MCQ है जो कि आगरा यूनिवर्सिटी के लिए, तो आपको ये बाय नहीं करना, आपको ये मैथ्स पेडागोजी का है। जो नोट्स है वो सारे यूनिवर्सिटीज़ के लिए है, तो आपको ये बाय कर लेना। अगर आप इसे बाय करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो आप जिस तरह से तैयारी कर रहे हो अपना तैयारी कर सकते हो। और उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अभी भी कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो, या फिर हमें इंस्टा पर फॉलो करके वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हो। तो आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। कोई भी अपडेट आएगी तो आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट दी जाएगी। तो फिर मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।